सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संडे के मसाला के बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहाँ मैं दोस्तों देने वाला हूँ सवालों के जवाब जो भैया आपने पूछे के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल दोस्तों बहुत ही सारे हैं, मिलेंगे बहुत ही कमाल शानदार जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। दोस्तों ऐसे में आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मेरी तरफ से हाथ जोड़ के माफी अगर मैं आपके सवाल का जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि सवाल इस बार भी यार हर बार की तरह बहुत 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 ज़्यादा थे। जवाब देने का समय होता है काफ़ी लिमिटेड सा, लेकिन ऐसे में कोशिश करता हूँ जितने ज़्यादा हो सके उतने सवालों को पिक कर लूँ। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहले सवाल की। पूछा है यहाँ पे महेंद्र रेड्डी ने, ये बोलते हैं कि Mi A3 स्पेसिफिकेशन गुरु जी। महेंद्र भाई Mi A3 की अगर हम बात करते हैं तो यार ऐसे में इसका एक बॉक्स लीक हुआ है, कुछ लाइव फोटोज भी लीक हुई हैं जहाँ पर देख के तो मालूम चलता है कि इसमें होने वाला है स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो खैर होगा ही, इसके अलावा यहां पे वो मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, छोटी सी नॉच के साथ में आने वाला है फोन। लेकिन अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि Xiaomi क्या लॉन्च करता है Mi A3 और A3 Lite के हिसाब से और किस प्राइस में क्या स्पेसिफिकेशंस देता है। बिकॉज अगर Mi A3 में स्नैपड्रैगन 665 है तो डाउट ये है कि Mi A3 Lite में क्या होगा। खैर देखते हैं आगे ये Xiaomi क्या करता है इन्हीं फोन्स को लेके। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे प्रतीक भौमिक ने, ये बोलते हैं कि बोलो गुरुजी विद मुंबईकर निखिल विजिट USA अगेन एंड मेक ऑसम व्लॉग्स। प्रतीक भाई प्लान करते हैं बिल्कुल, मेरी हालांकि निखिल से पिछले काफ़ी दिनों से बात हो नहीं पाई, मैं काफ़ी बिजी था और निखिल भी अपने घूमने फिरने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। तो ऐसे में अभी कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ सीन बनाते हैं, यू नेवर नो क्या पता कब कहाँ कैसे क्या प्लान बन जाए और उसके बाद में जैसे भी जब भी बैठेंगे साथ में आपके लिए कमाल वीडियोज़ तो खैर आएंगे ही। बात करते हैं अगले सवाल की। पूछा है यहाँ पे दिव्यांश वर्मा ने, ये बोलते हैं कि भैया व्हाई टैबलेट्स एंड क्रोमबुक्स आरंट पॉपुलर इन इंडिया, लव यू भाई फॉर योर ऑसम कंटेंट। थैंक यू दिव्यांश। और अगर हम बात करते हैं क्रोमबुक्स की या टैबलेट्स की, इंडिया में यार जो पॉपुलैरिटी है ना उसमें एक बड़ा रीजन होता है प्राइस का। बिकॉज अगर आप बात करते हैं क्रोमबुक्स की तो यार वो होती हैं 200 300 400 डॉलर्स की, और ऐसे भी क्रोमबुक एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप जानते हैं कि आपको अपने लैपटॉप में क्या करना है। बेसिक भैया हम क्रोम यूज़ करते हैं, बाकी आपको जो बेसिक ऐप्स हैं वो भी मिल जाती हैं। तो ऐसे में मैं जैसे क्रोमबुक यूज़ कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑन द गो, हाँ वीडियो एडिटिंग उसके अंदर मैं नहीं कर पाऊंगा ठीक से, लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल से प्राइस एक फैक्टर हो जाता है। बिकॉज अगर आप बात करते हैं कि यार एक 20-25 हज़ार का क्रोमबुक आएगा तो वाई नॉट थोड़े पैसे मिला के या उतने ही कीमत में एक प्रॉपर लैपटॉप लिया जाए जहां पे आपको विंडोज का सपोर्ट मिल जाए। सेम चीज टैबलेट के साथ में है, टैबलेट हालांकि चल रहा है इंडिया में, लेकिन टैबलेट यार अगेन जो एंड्रॉइड वाले हैं वो इतने अच्छे हैं नहीं, जो सस्ते मिलते हैं वो खराब हो जाते हैं। पहले एक जमाना था जब वो होम शॉप की ओर बेचते थे 7-7 इंच के टैबलेट घटिया वाले, अभी हालांकि आज की डेट में आईपैड वगैरह है लोग लेते हैं, लेकिन हाँ वो पॉपुलैरिटी नहीं है। टैबलेट्स की यार इन जनरल पूरी दुनिया भर में वो जो पॉपुलैरिटी है ना वो नहीं है, बिकॉज मोबाइल फोन इतने बड़े होते जा रहे हैं, इतने पावरफुल होते जा रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि मोबाइल फोन जब एक है ही तो फिर टैबलेट की क्या जरूरत। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे नितेश कालरा ने, नितेश बोलते हैं कि हेलो भैया कैसे हो आप, पहले तो आप एक मीटअप रखो दिल्ली में, मिलना है आपसे और आईफोन एक्स का गिव अवे अभी तक पेंडिंग है, लव यू गुरुजी। देश भाई गिव अवे पेंडिंग नहीं है, इनफैक्ट आईफोन जो है उसके लिए आपको एक खास वीडियो मिलेगा बहुत ही जल्दी। मैं इसीलिए यहाँ पे दिल्ली आया हूँ, और अगर आप बात करते हो दिल्ली मीटअप की तो मैं प्लानिंग उसकी भी करता हूँ, और ऐसे में ये जो वीडियो है मैं अभी जाने वाला हूँ, कल सुबह मेरी फ्लाइट है दिल्ली से बैंगलोर के लिए, बहुत सारा मैंने अरेंजमेंट किया है तो आपको वो देख के डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ तक हम बात करते हैं मीट एंड ग्रीट की तो कुछ ना कुछ हम इंस्टाग्राम करते हैं आपस में मिल बैठने का, बातें करने का, बाकी अगर जो और गिव अवेज हैं वो आपके लिए ऐसे ही आते रहे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे प्रसाद पात्रा ने, ये बोलते हैं गौरव भैया मैं आपके हर गिव अवे में पार्टिसिपेट करता हूँ लेकिन कभी विनर नहीं लिस्ट में नाम आता क्यों। प्रसाद भाई देखो बात ऐसी है यार कि पार्टिसिपेंट्स आप खुद सोचो कितने सारे होते हैं, मेरे पास में देने को एक फोन है, दो हैं, पांच हैं, 10, 15, 20 भी हैं, तो पार्टिसिपेट जो है करने वाले लोग वो लाखों में होते हैं। अब ऐसे में कंप्लीट यार रैंडम सीन है, मतलब ऐसा कुछ तो है नहीं कि कुछ प्रायोरिटी है या मतलब इसमें कुछ टेस्ट है जहां पे जो लिखेगा उसको फिर बाद में नंबर मिलेंगे, बिल्कुल रैंडम है यार, सबके नाम की पर्ची है, किसी के नाम की पर्ची निकलेगी वो डिपेंड करता है। अभी ऐसे में अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख पार्टिसिपेंट्स हैं तो ऐसे में डेफिनेटली चांस तो बहुत कम है, लेकिन हाँ बहुत लोगों को मिला भी है और जो आपके लिए वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी वो देख के आपको जरूर बहुत खुशी होगी और आप ऐसे में कोशिश करेंगे आगे चल के क्या पता आपको भी गिव अवे मिल जाए। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे पी जोशी ने, ये बोलते हैं कि भाई मेरे साथ कोलैब करोगे क्या। जोशी सर मैं सबके साथ कोलैब करने के लिए तैयार हूँ, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ,
मैंने कभी भी किसी को भी मना नहीं किया है, कभी भी कोलैब के लिए अगर किसी ने भी मतलब अप्रोच किया है तो मैंने कभी मना नहीं किया है। और कहीं मिल जाता हूँ, कहीं फ्री हूँ, कहीं सड़क चल रहा हूँ, कहीं बैठ गया हूँ, आप कुछ व्लॉग कर रहे हो या जो भी है, मुझे आप बताओ, मैं हमेशा से पूरी तरीके से एक्टिव हूँ किसी भी तरह के कोलैब के लिए। आपका चैनल है कि नहीं वो खैर मुझे मालूम नहीं, लेकिन वैसे बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा कोलैब किए, और आई थिंक सबसे ज़्यादा कोलैब मैंने ही किए हैं इंडिया में अगर मैं बात करता हूँ, शायद मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ सबसे अच्छी दोस्ती है, सबसे अच्छी बातें होती रहती हैं, कोलैब आते रहते हैं, काफ़ी तो आपने देखी हैं और आगे भी आप काफ़ी देख पाएंगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे परमजीत सिंह ने, बोलते हैं गौरव भाई सवाल ये है कि सैमसंग गैलेक्सी A80 इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। परमजीत भाई बहुत डिले हो गया है A80 को लेके, लेकिन बहुत जल्दी आपको उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देखने को मिलेगी, और मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक रहा तो शायद इस महीने में सैमसंग A80 को लॉन्च कर सकता है इंडिया में। अभी देखते हैं एग्जैक्ट डेट क्या होती है, पहले आइडिया मई का था, फिर जून हुआ, फिर अभी जुलाई चल रहा है, लगता है कि शायद इस महीने तो आ ही जाएगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे जेके गिरी योर अपडेटर ने, अरे आप तो विनर होना सर, इसमें लिखा है हेलो गुरुजी यूट्यूब स्टूडियो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या, आई एम द विनर ऑफ रियलमी 3 प्रो एंड आई एम वेटिंग फॉर योर ईमेल। जेके गिरी भाई एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व मैं दोबारा चेक नहीं कर पाया कि हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे इशू सिर्फ ये था कि जो विनर्स मैंने अनाउंस किया था आपका नाम तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका नाम देखते पहचान गया, आपसे मैंने कहा था कि आप अपना ईमेल आईडी मुझे कमेंट से बताइए, लेकिन मैं कमेंट्स को नॉर्मली सर्च नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज अभी यूट्यूब बार बार पुश कर रहा है नए वाले स्टूडियो को, जो पहले डैशबोर्ड था वो काफी इजी हुआ करता था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अभी कि अगर ये होता है तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो आगे आने वाली अभी किसी फ्रेश वीडियो में बोल दूंगा कि अभी आप जो है वो विनर्स का नाम दोबारा बता दूंगा कि अपने जो नीचे ईमेल आईडी है वो कमेंट में डाल दीजिए, ताकि एटलीस्ट मेरे को मालूम है आपने मेरे को ईमेल भी किया हुआ है कि वो आप ही हो विनर, लेकिन क्योंकि यार ये एक प्रोसेस है, मेरे को ये कंफर्म करना है कि भाई कोई आपको इंपर्सनेट ना कर रहा हो, और ऐसे में जो विनर का नाम है जिसका यूआरएल है वहीं से ही मेरे को कमेंट आए अगर ईमेल एड्रेस का तो मैं कांटेक्ट करूं, लेकिन अभी ये टेंपरेरी एक इशू है, आगे आने वाले गिवअवेज में ये सब मैं चीजें निकालने वाला हूं वैसे भी, तो कोशिश करूंगा प्रोसेस और सीमलेस ले, आई एम रियली सॉरी कि आपको इस चीज के लिए वेट करना पड़ रहा है। अगला सवाल पूछा है यहां पे मयूरेश विश्नोई ने, ये बोलते हैं गुरु जी मैंने बीई में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लिया है तो पब्लिक बोल रही है कि भाई गलत सब्जेक्ट ले लिया, कोई स्कोप नहीं है, बाय द वे योर बिगेस्ट फ्रेंड। मयूरेश भाई पब्लिक कहाँ से आती है, पब्लिक पब्लिक के पास में मतलब क्या, ये थोड़ा ना जनता जो बोलेगी आप वो कर लोगे, और जहाँ तक बात है स्कोप की तो भैया ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका स्कोप ना हो, आप में टैलेंट होना चाहिए, आप जो है वो कुछ खास काम करने वाले होने चाहिए, वो स्कोप डेफिनेटली निकलता है और भरपूर स्कोप होता है, आप बस बिना किसी टेंशन के जो लोग आसपास बातें कर रहे हैं कि स्कोप है कि नहीं है, भाई वो कोई फैसला करने वाले नहीं होते हैं कि स्कोप होगा कि नहीं, आप अपनी मेहनत पूरी बनाए रखो और आई एम श्योर कि आपको आगे सक्सेस जरूर मिलेगी। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे आई लव यू 9000 ने क्या बात है, बोलते हैं कि इस बार तो सवाल ले लो गुरुजी, हर बार छोड़ देते हो गुरुजी, सवाल बस इतना सा है कि शौकिया तौर पर एक DSLR कैमरा लेना चाहता हूं क्योंकि फोटोग्राफी करना पसंद है, कौन सा और कितनी कीमत वाला कैमरा लेना सही होगा और उसके साथ कौन सा लेंस सही रहेगा। यार देखो डिपेंड करता है बजट के ऊपर, लेकिन सेकेंड हैंड कैमरा ले सकते हो, नया भी ले सकते हो, मैं कहूंगा अगर आप बात करते हो शौकिया तौर से तो कितना 25-30-35 हज़ार के आसपास आपको DSLR मिल जाना चाहिए। अभी एग्जैक्ट इंडिया में कीमत क्या चल रही है वो तो खैर मेरे को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन कैनन में या निकॉन में आपको स्टार्टिंग के कुछ मॉडल्स मिल जाएंगे जो कि काफी सस्ते होते हैं, और मैं आपको निकॉन के बदले कैनन रेकमेंड करूंगा, मतलब मैंने हालांकि निकॉन भी यूज किया है पहले कभी कभार, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कैनन कैमरा अगर आपको एक शुरुआती तौर पे सीखना है। और लेंस की बात करते हैं तो आप लीजिए नॉर्मल जो किट लेंस आएगा उसके अलावा एक प्राइम लेंस, फिर चाहे वो 50mm का हो, चाहे वो 40mm का हो, चाहे वो 24mm का हो, एक प्राइम लेंस लीजिए, मैं रेकमेंड करूंगा वैसे 50mm वाले को, आई थिंक वो 7-8 हज़ार का आ जाएगा, 10 हज़ार का आ जाएगा, और उसके बाद में आप बहुत अच्छी फोटोज ले पाएंगे। सीखिए धीरे धीरे मैनुअल मोड पे यूज करना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कीजिए, और उसके बाद में डेफिनेटली आपको फोटोज जो मिलेंगी उससे आपका और इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है यहां पे शेफ विशाल कृपलानी ने, ये बोलते हैं कि कैन यू डू स्मॉल रिव्यू ऑफ एप्पल टीवी एंड होम पॉड, भाई शुड आई वेट फॉर न्यू आईपैड आई वॉन्ट फॉर मूवी वेब सीरीज, और सजेस्ट मी सम टफ आईपैड केस फॉर 11 inches, हैव यू फेस्ड एनी बेंड इश्यू, लव यू भाई, व्हेन विल होम पॉड होम मैक्स विल लॉन्च इन इंडिया। इतने सारे सवाल, भाई देखो जहाँ तक बात करते हैं अपन एप्पल टीवी या फिर होम पॉड की, तो मैं होम पॉड का वीडियो बना सकता हूँ, इनफैक्ट जब मैं अभी US में था तो मेरे सामने था, हालांकि होम पॉड तो दुबई के अंदर भी लॉन्च हो चुका है, तो मैं सोच रहा था कि मैं उसको लूँ या एक कुछ वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार ज़्यादा लोगों को ये पसंद आएगा नहीं, क्योंकि कीमत एक तो बहुत ज़्यादा है और फिर वो सिर्फ तभी काम करते हैं जब आपके पास में एक एप्पल प्रोडक्ट ऑलरेडी हो, तो ऐसे में सभी लोगों के पास में एप्पल प्रोडक्ट होता नहीं है, तो मैंने लगा कि शायद इसका वीडियो मैं ना ही बनाऊँ, लेकिन हाँ जितना मैंने सुना है साउंड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी है होम पॉड की, कोशिश करूँगा आगे एक वीडियो बनाने
कि अगर आप बात करते हो आईपैड की, तो यार अभी तो नए वाले आईपैड्स आए हैं, अभी लगता नहीं है कि आपको इतना जल्दी कुछ नया देखने को मिल जाएगा, तो ऐसे में आप आईपैड 11 इंचेस ले सकते हैं बड़े आराम से। और केस अगर आपको चाहिए टफ वाला, तो यूएजी जो कंपनी है ना, अर्बन आर्मर गियर, उसका आप केस ले लीजिए, काफी बढ़िया वाला है, मतलब गिर विर जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। और जहां तक बात करते हैं बेंड इशू की, तो नहीं भाई मेरे को तो फिलहाल खैर मेरे आईपैड में कोई बेंड इशू नहीं मिला है, मैं उसको यूज करता हूँ एप्पल के ही जो कीबोर्ड केस के साथ में, तो थोड़ा वो मोटा भी हो जाता है और मेरे बैग में बिल्कुल सही संभाल के रखता हूँ सीधा, कि भैया के जोर लगा और कहीं वो मुड़ वुड़ ना जाए, तो मैं उसका खुद से भी काफी ख्याल रखता हूँ। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे ज्ञानेंद्र सिंह तवर ने, ये बोलते हैं कि विच इज बेटर, गोप्रो या फिर DSLR। गैरेंद्र भाई दोनों अलग अलग कैमराज हैं, अलग अलग चीज़ के लिए हैं, जो काम GoPro कर सकता है वो GoPro कर सकता है, जो DSLR कर सकता है वो DSLR कर सकता है, दोनों को आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, GoPro के साथ में कोई और एक्शन कैमरा कंपेयर कर सकते हैं, या DSLR के साथ में आप मिररलेस को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन GoPro और DSLR दोनों अलग अलग टाइप के कैमराज हैं, अलग अलग तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए, तो ऐसे में दोनों का यार आपस में स्ट्रेट कंपेरिजन तो कुछ बनता ही नहीं है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे मनीष धराया ने, ये बोलते हैं कि टू कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, country reached mass and other is trying to reach Kashmir, bolo guruji agree or no? फैक्ट है यार, क्या कर सकते हैं, मतलब मैं इस बात पे खुशकिस्मत हूँ कि हम इंडियन हैं और हमने काफ़ी तरक्की करी है, जो हम पूरी दुनिया भर में हमारा नाम आगे रोशन करते हैं, हम चाहे बात कर लें स्पेस की या किसी और फील्ड की, इंजीनियरिंग की या मेडिकल की या किसी और तरीके से, हमने दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे काम करते हुए नाम रोशन किया है। अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी की, आज़ादी तो भैया मिली थी सेम टाइम पर, लेकिन माइंड सेट भी डिपेंड करता है, ऐसा मैं सोचता हूँ, हमारी प्रायोरिटीज़ जो रखी, अच्छा हुआ कि हम मतलब मैं तो भी बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं इंडिया से हूं, और ऐसे में अच्छा हुआ कि यहां पे जो लीडरशिप थी या जो प्रायोरिटीज थी या जैसा भी जो भी हुआ पिछले इतने सालों में, उसके चलते हम एक सही विजन के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे पड़ोसी भाई को बस कश्मीर में घुसना, क्या कर सकते हैं यार। अगला सवाल पूछा है यहां पे फैन क्लब ऑफ इंडियन यूट्यूबर ने, ये लगाते हैं रैपिड फायर, और रैपिड फायर है डोरेमोन या फिर निंजा हटोरी, डोरेमोन, शिनचैन या फिर पोकेमोन, शिनचैन, पकड़म पकड़ाई या फिर ऑगीहेन कॉकरोच, ऑगीहेन कॉकरोच, बेंटेन या फिर छोटा भीम, छोटा भीम, किट्रेट्सू या फिर ऋषि रिच, ऋषि रिच, मेरे को हालांकि दूसरे वाले का वैसे भी आइडिया नहीं क्या है, लेकिन हाँ ऋषि रिच मैं जानता हूँ क्या है, तो वो बाकी तो क्या मेरे को मालूम है। निंजा हटोरी मैंने देखा नहीं है, लेकिन नाम सुना है, मेरा भतीजा कभी कभी देखता था पहले, पता नहीं शायद, तो लेकिन डोरेमोन ठीक है और बाकी तो सिंपल ही है। इंजीनियर राइफ ने बोला है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ K20 प्रो इन इंडिया। तो राइफ भाई देखो, मेरे पास में ये है बॉक्स, और इस बॉक्स में मिलेगा आपको अंदर सामान जो आपको चाहिए, जिसकी आप कीमत जानना चाह रहे हैं। जब तक हम बात करते हैं कीमत की, तो यार मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड आपने लिखा है ना, तो यार डिपेंड करता है, देखो मैं तो चाहूंगा कि 25,000 के आसपास हो, लेकिन लगता है कि शायद ये 28-30,000 के आसपास जाने वाला है, और हो सकता है 30,000 से थोड़ा सा ऊपर भी निकल जाए, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि शायद 28 और 30,000, दो अलग अलग वेरिएंट्स होंगे, 27,990 या 29,990 ऐसे ही कुछ रहेगी प्राइस, और बाकी आपको जो डिटेल्स हैं वो जब अनबॉक्सिंग आएगी तब मिल जाएगी, थोड़ा सब्र करो। K20 Pro मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा अपनी प्राइस के हिसाब से, डेफिनेटली। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे चिन्मय पटनायक ने, ये बोलते हैं कि कौन सा मैच्योर बैग लेना सही रहेगा। चलो यार, मेरे को हालांकि मालूम नहीं है इसका रेफरेंस, लेकिन पिछले यार करीब 2-3 दिनों से ना, मतलब भयंकर भयंकर, मैं कोई फोटो पोस्ट कर रहा हूँ या वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं या कोई ट्वीट पे रिप्लाईज आ रहे हैं, मैच्योर बैग का ना जिक्र बहुत ज़्यादा है, और मैंने ऐसे गूगल किया बाद में, भैया आखिर चीज़ क्या है मैच्योर बैग, तो बाद में मालूम चला कि मतलब कोई एक शायद चीज़ अभी रिसेंटली वायरल हुई है, मैं देख नहीं पाया, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो सही है कि नहीं है, मतलब मैं बस ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा सुन लिया अपने चारों तरफ मैच्योर बैग के बारे में। बाकी अगर मौका मिलेगा तो देखूंगा आखिर भैया वो चीज क्या है, कैसे वायरल हो रहा है मैच्योर बैग। बाकी अगर आप जो व्यूअर्स हैं, आपने इसके बारे में कुछ सुना समझा जाना है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। अगला सवाल पूछा है यहां पे अंकुश शर्मा ने, ये बोलते हैं कि भैया आपकी वीडियोस का टोटल साइज डेटा का कितना है जो आपने सेव किया हुआ है अपने पास। कुछ भी, मैंने अपनी सभी वीडियोस को सेव किया हुआ है, और ऑन एवरेज जो एक वीडियो है वो करीब 1 GB के आसपास होती है, 1 से 1.5 GB के आसपास, डिपेंडिंग ऑन की वीडियो की ड्यूरेशन क्या है। अब आप समझ लो कि करीब 2,500 के आसपास वीडियोस हैं, करीब 2,400 तो टेक्निकल गुरुजी पे हैं, और करीब 100 के आसपास जो हैं वो दूसरे चैनल पे हैं, तो ऐसे में वो सभी के सभी मैंने सेव करी हुई अपने आप, और उसके पास में उसके अलावा कुछ जो वीडियोज़ हैं उनकी ओरिजिनल फाइल्स भी मेरे पास में हैं, सबकी नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी सारों की वो भी हैं, तो वो डेफिनेटली और ज़्यादा हो जाता है, तो डिपेंड करता है, मैंने हालांकि चेक नहीं किया, लेकिन हाँ 10-12 TB तो कम से कम होना चाहिए सब कुछ रॉ फुटेज को मिला के। ओरिजिनल सिंपल बोलूंगा, वीडियो पूरा बनने के बाद में रेडी होता है वो तो कितना 2.5-3 TB के आसपास, लेकिन सब जोड़ लूंगा तो आई थिंक 8-10 TB के आसपास डेटा होना चाहिए। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे
विग्नेश जाधव ने, ये बोलते हैं कि भैया थैंक्स फॉर रेफर वाला ऑप्शन रिमूव करने के लिए, और वैसे आप मुंबई में मीटअप कब करोगे, और आपने गैलेक्सी S10 के कवर का गिव अवे किया है, जिसके पास वो फोन नहीं होगा तो तभी आपको लिमिटेड एडिशन वाला कवर उसे देंगे क्या? बाय द वे लव यू गुरुजी। विग्नेश भाई थैंक्स की आपको जरूरत नहीं है यार, आपने कहा था कि रेफर वाला ऑप्शन नहीं रहे, मैंने पोल किया, मेरे को जवाब मिला, मैंने उसको निकाल दिया, एज सिंपल एज दैट यार। मैं हमेशा वही करता हूँ जो आपकी राय रहती है करने के लिए। जहां तक हम बात करते हैं मुंबई मीटअप की, तो वो भी भैया प्लानिंग में ये मीटअप सारे के सारे आपको मिलेंगे एक ही चक्कर में होते हुए। और इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी S10 प्लस के उस लिमिटेड एडिशन कवर के गिव अवे की, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं एक S10 प्लस अरेंज कर पाऊं विनर के साथ में, अगर नहीं है तो मतलब अभी तो ऐसे में ये तो गलत हो गया, मैं गलत बोल दिया, विनर के पास में हो सकता है S10 प्लस होगा तो ही बोलेगा मेरे पास में नहीं है, चलो जो भी है मतलब डेफिनेटली दूंगा यार। और अगर उस टाइम पे अरेंज कर पाया S10 प्लस तो जरूर करूंगा, मेरी मतलब खुशी होगी मुझे कि मैं अगर कंप्लीट सेट दे पाऊं। अगर अरेंज उस टाइम पे नहीं कर पाया तो सिर्फ केस दे पाऊंगा, उस केस को आप गिफ्ट समझ के, तोहफा समझ के, जैसे मर्जी संभाल के रखो, जरूरी नहीं कि आप उसको यूज कर पाओ, हो सकता है आप उसको बस अपने पास में ड्रॉअर में रख लो ये सोच के कि हाँ मैंने ये इनाम कहीं भी जीता था। और अगर आपके पास में कहीं फोन हो तो आप बड़े आराम से उसको यूज भी कर सकते हो, और अगर मेरी तरफ से बन पड़ा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा साथ में फोन देने की। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे भावेश दिलीप पवार ने, जो बोलते हैं कि आपने अभी तक कितने एयरलाइंस के साथ ट्रैवल किया है। भविष्य भाई बहुत सारी एयरलाइंस को यूज़ किया है, और अक्सर जब मैं पहले भी यूरोप ट्रैवल करता था या कभी US ट्रैवल करता था तो वहाँ पे मैंने अलग अलग एयरलाइंस के साथ में बहुत ट्रैवल किया है। लेकिन क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ और एमिरेट्स का जो हब है वो दुबई में है, तो मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ दुबई से तो 99.9% मैं एमिरेट्स के साथ में ट्रैवल करता हूँ, और पिछले मैंने काफ़ी सालों से एमिरेट्स के साथ में ही ट्रैवल किया है। इसका एक रीज़न ये है कि मुझे हर जगह की डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं, मुझे कभी ब्रेक नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल को जाना है दुबई से लंदन, डायरेक्ट फ्लाइट, दुबई से लॉस एंजेलिस डायरेक्ट फ्लाइट, दुबई से न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट, दुबई से ऑकलैंड डायरेक्ट फ्लाइट, दुबई से हांगकांग, मतलब क्योंकि एमिरेट्स का हब जो है वो दुबई में है इसलिए मैं ज्यादा उसी को यूज करता हूं। बाकी सर्विस तो खैर काफी अच्छी है ही, और इंडिया आता रहता हूं तो इंडिया के लिए भी मेरे पास में दिन में 5 फ्लाइट्स के ऑप्शन है दिल्ली के लिए केवल, तो ऐसे में मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं तो वो एक अच्छी बात है। बाकी हाँ वैसे तो यार बहुत सारी एयरलाइंस के साथ में ट्रैवल किया है, और यूरोप में डेफिनेटली अलग अलग बहुत सारियों को यूज किया है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे सचिन कुमार ने, ये बोलते हैं सबसे पहला गुरुजी मुझे इंग्लिश सीखनी है, कैसे सीखूं? ओके मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। तो भाई सचिन अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना तो ऐसे में इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल नहीं है, इंग्लिश बोलना सीखने से पहले आप इंग्लिश को सुनना सीखो। अगर आप सुनना शुरू कर दोगे तो बाद में बोलना अपने आप हो जाएगा। उसके लिए इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश गाने देखो, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ो, मतलब बस इंग्लिश अपने चारों तरफ कानों में बजने दो। अगर आप समझना सुनना सीख गए तो बोलना अपने आप आ जाएगा। एक घर में छोटा बच्चा होता है, कभी आप सोचना इस बात को कि अभी फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई अगर नॉर्थ में जहाँ पे हम हिंदी बोलते हैं वहाँ पे घर में छोटा बच्चा पैदा हो तो उसको हम कभी खाते नहीं है कि ग्रामर क्या है, कि टेंस क्या है, कि क्या क्या है, वो अपने आप सुनता है, समझता है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत कुछ गलत ही बोलता है लेकिन अपने आप वो सही करना स्टार्ट करता है। उसका माहौल है, वो दिन भर सुन रहा है कि मैं ये जा रहा हूं, मैं ये खा रहा हूं, मैं यहां पे जाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, बैठूंगा, उठूंगा, जो भी है। तो इसी तरीके से जो बच्चा कहीं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहां पे आसपास इंग्लिश बोलते हैं तो उसको वही इंडियन बच्चा उसको कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की जरूरत नहीं है, वो इंग्लिश सुनते सुनते वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे में आप सबसे पहले इंग्लिश को सुनना जो है वो शुरू करो, बोलना आपका अपने आप हो जाएगा। और गुरुजी स्कूल में कुछ बड़े बच्चे परेशान करें तो क्या करना चाहिए? लड़ाई करना चाहिए? लड़ाई झगड़ा चलता रहता है यार स्कूल में कैजुअल, इसमें इतना क्या सीरियस होना कि लड़ाई हो गई कि नहीं हुई कि जो भी है, जैसा आपका मूड बन सकता है। मतलब स्कूल है यार, फन होता है, लड़ाई भी होती है, कभी कभी झगड़ा भी होता है, कभी कभी लोग दोस्त बनते हैं, दोस्त टूटते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो ऐसे में टेंशन मत लो। हाँ अगर आपको ज़्यादा कोई बुली कर रहा है तो डेफिनेटली अपने टीचर्स को या एटलीस्ट पेरेंट्स को बताओ, अपने तक बात मत रखो। लेकिन हाँ अगर कैजुअल है, फन है, तो आपका जैसा मन करे आप कर सकते हो। दूसरा लिखा है गुरुजी पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस कर सकते हैं क्या? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं आपकी तरह। अरे मेरे भाई मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं छोटा मोटा अपना काम करते रहता हूं। जब तक हम बात करते हैं पढ़ाई के साथ बिजनेस की, तो डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत सारे पार्ट टाइम आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऐसे में अगर आपके पास में कुछ क्रेजी आइडिया है तो आप वो भी शुरू कर सकते हो। हाँ पढ़ाई पर फोकस बनाए रखना, लेकिन आपके पास में डेफिनेटली खाली टाइम होता ही होगा, उसको आप यूज करते हुए अपने बिजनेस के लिए काम में ले सकते हो। और लास्ट में लिखा है किसी भी चीज़ में अपना 100% कैसे दें? तो सचिन भाई अपना 100% देने के लिए ना आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए हमेशा। फॉर एग्जाम्पल आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ठीक है, आपने सोच लिया माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, आपने चढ़ना स्टार्ट किया, आग जल के लगा के तो बड़ा मुश्किल हो गया यार, मतलब मैं तो बहुत थक गया हूँ, और मतलब ये तो भैया मेरे बस की नहीं है, और आपने यूटर्न लेके नीचे आ गए। लेकिन अगर आपके पास में एक रीजन है कि मैं माउंट एवरेस्ट क्यों चढ़ना चाहता हूँ और वो रीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है,
तो आप परेशान होगे, थकोगे, जो भी होगा आप यू टर्न नहीं मारोगे। तो आप अगर किसी भी चीज में, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई में या किसी और चीज में, अगर आप अपना 100% देना चाहते हैं तो हमेशा उसके लिए एक पहले स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढिए। अगर रीजन मजबूत होगा तो डेफिनेटली आपकी मेहनत भी ज्यादा होगी और आप कभी गिवअप भी नहीं करेंगे और आप पूरे फोकस से उसी काम में लगे रहेंगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे गणेश जी ने, ये बोलते हैं कि ओके गौरव भैया चलिए बोलिए, हाउ आर यू भाई, मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं। बोलते हैं जो आपसे जलते हैं उन पर थोड़ा सा हवन सामग्री डालिए और बोलिए स्वाहा। माय क्वेश्चन इज, इसरो का ब्रीफ इंफॉर्मेशन बनाइए कि कैसे सेटेलाइट लॉन्च होता है और कैसे काम करता है। अलाहाबाद मीटअप कब कर रहे हैं? विद लव, बोलो गुरु जी। गणेश भाई मीटअप बहुत जल्दी होगा, जानक बात है इसरो की, मैं डेफिनेटली प्लान कर रहा हूँ। आज मैंने एक वीडियो बनाया था और आगे आपके लिए एक, अगर मुझे मौका मिल पाया ना तो मैं प्रॉपर आपके लिए बहुत ही एक अच्छा वीडियो बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। बस टाइम काफ़ी लगेगा, उसके अंदर लॉजिस्टिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो मिले। बिकॉज इसरो का नाम सुन के ना मतलब काफ़ी प्राउड फील होता है यार, कि हमारे देश के लोग, हमारे अपने लोग क्या कमाल काम कर रहे हैं और दुनिया से बहुत और बेहतर काम भी कर रहे हैं। और अब तो दुनिया के जो बाकी देश हैं वो भी इसरो से अपना काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने की। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे शनि पटेल ने, ये बोलते हैं गुरुजी अगर मैं अभी स्नैपड्रैगन 855 वाला फोन लूँ तो क्या बाद में जब 5G मॉडेम आए तो मोबाइल केयर में जाके डलवा सकता हूँ क्या? शनि भाई सॉरी, आप नहीं डलवा सकते हैं, बिकॉज वो एक हार्डवेयर है मेरे भाई। आप बात कर रहे हैं क्वालकॉम के X50 मॉडेम की। अगर आपने अभी एक 855 वाला फ़ोन लिया या कुछ भी फ़ोन लिया मोबाइल फ़ोन में, मतलब हाँ लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें तो आप डलवाते हैं चीज़ें इस तरह से, लेकिन मोबाइल फ़ोन में आप नहीं डलवा सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं 5G फ़ोन की, तो फिलहाल अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, इंडिया में 5G भी नहीं है। तो जो मिल रहा है उसमें मजे करो, जब 5G आएगा तभी आप ले पाएंगे 5G फ़ोन। आप किसी अपने 4G फ़ोन को, फिर चाहे वो 855 हो या कोई दूसरा हो, कभी भी 5G फ़ोन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बस यहाँ पे भैया ये था हिसाब किताब, बाकी एक बार वापस से क्विक रीकैप, उप्स भूल गया था। तो ये है हमारे पास में रेडमी और ये है हमारे पास में रियलमी। आपको मिलेंगी दोनों ही वीडियोस और इसके अलावा और काफी सारा कुछ इंटरेस्टिंग सामान अपने आने वाले डेट्स पे, तो बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और मेरा फोन मैं साइलेंट करना भूल गया था दोस्तों। बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।